स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड चैप्टर मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 11 के स्टूडेंट्स को हमने मेजरमेंट के बारे में बताया था कि मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं, पैरालैक्स मेथड। ये क्लास 11 का एकेडमिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये पहले टेस्ट में आप लोग को मिलता ही है, ठीक है ना। मतलब एकेडमिक्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, बट हालांकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिशन कोचिंग में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जनरली कराया नहीं जाता है। लेकिन एकेडमिक्स में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक में आ जाता है, तो पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को, आज का लेक्चर सिर्फ इसी टॉपिक के लिए समर्पित है, और ढंग से अच्छी तरह से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं समझाने वाला हूं आपको, पैरालैक्स मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले हम जाने कि पैरालैक्स शब्द का मतलब क्या है। तो अगले कुछ क्षणों में हम कुछ अनमोल शब्द बोलने जा रहे हैं। सभी लोग अपने श्रवण यंत्र हमारे मुखाग्र बिंदु की ओर केंद्रित कर दें और ध्यान से सुने अनमोल शब्द। पैरालैक्स का मतलब यहां क्लियर होगा कि पैरालैक्स एक्चुअली होता क्या है। पैरालैक्स एक्चुअली नाम दिया जाता है उस फेनोमेनन को कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग पोजीशन से देखें। ऑब्जेक्ट एक है, एक बैकग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में हम एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं लेकिन दो अलग अलग पोजीशन से। और जब दो अलग अलग पोजीशन से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हमको कुछ चेंज नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको क्या नजर आएगा? चेंज नजर आएगा। जबकि वो ऑब्जेक्ट वही है अपनी जगह, लेकिन अलग अलग पोजीशन से देखने पर उसकी पोजीशन में हमको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, और इसी को हम कहते हैं क्या? पैरालैक्स। यानी अगर इंग्लिश में हम बोलें तो व्हाट इज पैरालैक्स? तो पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन पैरालैक्स की इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके बैठिए। और जो मैं बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो पैरालैक्स मेथड के पहले, सबसे पहले पैरालैक्स का मतलब समझा रहे हैं क्या होता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी पैरालैक्स की? पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बैकग्राउंड व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस। समझा कि नहीं? पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बैकग्राउंड व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस। समझा कि नहीं आया? और ये जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम बेसिस। समझ में आ कि नहीं आया? जो दो पोजीशंस हैं जिनसे हमने अलग अलग उस ऑब्जेक्ट को देखा, उन दो पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिस। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए क्या है, सपोज एक पेन हम ले लेते हैं अपने हाथ में और इसको हमने होल्ड किया विद रिस्पेक्ट टू अ बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड सपोज वॉल है, सामने दीवार है, और बैकग्राउंड वॉल के रिस्पेक्ट में इस पेन को अपन ने अपने हाथ में होल्ड किया। और अब हम इस पेन को पहले देखें अपनी लेफ्ट आई से। अब आप कहोगे अकेली लेफ्ट आई से कैसे देखें, दोनों आंखें खुली हैं हमारी, तो देख तो दोनों से रहा है। बोले लेफ्ट आई से देखना है तो राइट आई को क्लोज करके देखेंगे, और उसके बाद फिर इसी पेन को हम देखें अपनी राइट आई से, तब लेफ्ट आई को क्लोज कर लें। तो एक एक बार पहले लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखा, राइट आई से क्लोज करके लेफ्ट आई को देखा, तो हमने देखा कि दोनों आंखों से हमने अलग अलग एक ही पेन को देखा, तो दो आंख अलग अलग पोजीशन पे हैं, यानी पोजीशन अलग अलग हो गई। उनसे हमने देखा किसको? एक ही ऑब्जेक्ट को, और बैकग्राउंड किसकी थी? वॉल की। तो वॉल की रिस्पेक्ट में पेन को हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट पेन है, और दो अलग अलग पोजीशन से, एक बार लेफ्ट आई से, एक बार राइट आई से। लेफ्ट आई से कैसे? राइट आई को क्लोज करके। राइट आई से कैसे? लेफ्ट आई को क्लोज करके। हम क्या देखेंगे कि जो पेन है ना, बैकग्राउंड वॉल के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में हमको स्लाइट चेंज नजर आएगा, और वही चेंज इन पोजीशन को हम कहेंगे क्या? पैरालैक्स। और ऐसे में दो पोजीशंस कौन सी हुई? लेफ्ट आई और राइट आई। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहां पे काम करेगा बेसिस का। एक फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे आप देखिए ये फिगर हमने बनाया, तो इसमें ये बैकग्राउंड है वॉल की, और ये एक ऑब्जेक्ट है ओ विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, इसको हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं दो अलग अलग पोजीशन से। सपोज एल यहां रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट आई को, आर यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है राइट आई को।
तो ये दो पोजीशंस हो गई अलग अलग जिनसे हम इस ऑब्जेक्ट ओ को देख रहे हैं, और हम क्या पाएंगे कि इस वॉल के रिस्पेक्ट में, बैकग्राउंड है जो वॉल, उसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट ओ की पोजीशन में स्लाइटली चेंज नजर आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर इस चेंज इन पोजीशन को तो हम कहेंगे क्या, पैरालैक्स। और पैरालैक्स का यूज हम करते हैं काय के लिए, पैरालैक्स मेथड पे आ रहे हैं, पैरालैक्स पहले समझा दिया, पैरालैक्स मेथड पे आ रहे हैं। पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सपोज ये ऑब्जेक्ट ओ है, इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो लेफ्ट आई से जो डिस्टेंस होगा वही राइट आई से होगा, तो एल ओ और आर ओ बोथ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। लेफ्ट आई और राइट आई ये हमारी दो पोजिशन हो गई। मैंने बताया था कि जिन दो पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दो पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, बेसिस। तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस। तो नॉर्मली जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं, ये मेथड का यूज करते हैं, तो बेसिस हमारा कुछ ऐसा होता है जो नोन हो, जिसके बारे में हमें पता हो। ठीक है ना, तो ऐसा नोन बेसिस लेंगे हम। लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का डिस्टेंस बी यहाँ पर बेसिस का काम करेगा, और बीच में जो एंगल सब्टेंड हो रहा है ना, एंगल एल ओ आर, एंगल एल ओ आर मतलब ऑब्जेक्ट दोनों पोजिशन के साथ जो एंगल सब्टेंड करता है, ये एंगल थीटा, इसी को हम बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। पैरालैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल, ये हो गया थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो इस मेथड में हम कोशिश करते हैं थीटा फाइंड करने की। जैसे ही हमारा ये एंगल निकल गया पैरालैक्स एंगल थीटा, और बेसिस हमको बताई है ऑलरेडी, तो हम ये डिस्टेंस एक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक फार्मूला अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। मैथमेटिक्स में पढ़ा ये फार्मूला अपन ने, एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। इस फार्मूले का अगर यहां यूज करते हैं तो एंगल हमारा कौन सा है, थीटा। तो एंगल थीटा इक्वल्स टू, इसके लिए आर का काम कौन करेगा, एल आर। एल आर यहां पे आर को जाएगी इस एंगल के लिए, और रेडियस दोनों ही है, एलो या आर ओ कुछ भी ले लो, तो एलो ले लिया सपोज अपन ने। तो कुल मिला के यहां से अगर देखा तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल आर अपना क्या है, बेसिस बी, एंड एल ओ अपना क्या है, एक्स। फाइंड करना होता है डिस्टेंस एक्स, थीटा अपने को पता होता है, बेसिस नोन होती है, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू, एक्स चला जाएगा थीटा की जगह, थीटा आ जाएगा इसकी जगह, तो एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। तो नोइंग बी एंड मेजरिंग थीटा वी कैन कैलकुलेट एक्स। ठीक है ना, बी तो नोन होगा, तो नोइंग बी और थीटा को हम मेजर करेंगे, मेजरिंग थीटा। तो नोइंग बी एंड मेजरिंग थीटा वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये था पैरालैक्स, पैरालैक्स मेथड। ठीक है ना, अगर ये शॉर्ट आंसर में आता है, टू मार्क्स में आता है, तो इतना बहुत है, आपने इतना बता दिया व्हाट इज पैरालैक्स, ठीक है ना, और व्हाट इज पैरालैक्स मेथड, ये मेथड भी आ गया आपका। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन किसकी, पैरालैक्स की। क्या होता है पैरालैक्स? तो पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बैकग्राउंड when it is seen from two different positions, distance between the two positions is called basis. और ये formula है parallax method use करने का। अगर आपको b पता हो, यानी basis पता हो, knowing b और theta आप measure कर पाए, तो knowing b and measuring theta we can calculate the value of x. अब अगर से मैं पूरा 5 number का question बनाना चाहता हूं, तो मैं इस parallax method का use करूंगा। और क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि हाउ पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार या प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। अर्थ से किसी नियर बाय स्टार या प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पैरालैक्स मेथड का यूज किस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है पूरा कंप्लीट, तो 5 मार्क्स का बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो पैरालैक्स क्या होता है, पैरालैक्स मेथड क्या होता है, शॉर्ट में तो अपन ने बता दिया। अब इसका यूज करने जा रहे हैं काय के लिए, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार और प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, अगर हमें फाइंड करना है, हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा इसका यूज, पैरालैक्स मेथड का यूज ऑफ पैरालैक्स मेथड टू फाइंड डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑफ अ नियर बाय स्टार और प्लैनेट, कोई पास का प्लैनेट हो या स्टार हो, तो उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, फ्रॉम अर्थ से, और इसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं पैरालैक्स मेथड। तो अब हम फार्मूला तो बता ही चुके हैं कि जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, चाहे नियर बाय स्टार का या किसी का भी डिस्टेंस एक्स हो गया हमारा,
वैक्स हमें फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन थीटा। बी क्या होता है, बेसिस, ठीक है ना। बेसिस मतलब जो दो पोजिशन हम चुन रहे हैं जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, को देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या नियर बाय स्टार, उसको देखना है हमें। तो कहां से देखना है, दो डिफरेंट पोजिशन से, उन दोनों पोजिशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बेसिस होता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्स इक्वल टू बी अपॉन थीटा, इज दैट क्लियर। इस फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहते हैं नियर बाय स्टार का प्लेनेट, अब हम डिस्टेंस जो है बी न्यूमरेटर में है, अगर यहां फिर से डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं किसका, स्टार का, प्लेनेट का, जो बहुत बड़ा होगा, लाइट ईयर्स में होगा, और उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अब आपको बेसिस हम चुन लें क्या, डिस्टेंस बिटवीन अवर आईज, जो अभी अपन ने एग्जांपल में लिया था, ठीक है ना। तो कहां स्टार प्लेनेट का डिस्टेंस, कहां डिस्टेंस बिटवीन अवर टू आईज, बहुत छोटा हो जाएगा, तो बी इतना छोटा हो जाएगा कि फिर जो है एंगल मेजर करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम डिस्टेंस बड़ा ले रहे हैं, डिस्टेंस बड़ा मेजर करना है, तो बेसिस भी उसी के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हम दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस बेसिस ना लेके एक बड़ा डिस्टेंस बेसिस लेंगे, और ऐसा डिस्टेंस लेंगे बेसिस जो कि नोन हो। तो हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, वैसे तो एलिप्टिकल होता है ऑर्बिट, बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सर्कुलर मान लेते हैं, और उस ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ को यहां पे अपन क्या मानेंगे, बेसिस मानेंगे। बेसिस किसको मान रहे हैं, जो ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही सन के चारों ओर, उस ऑर्बिट का जो डायमीटर है उसको हम यहां बेसिस चुनेंगे, बिकॉज वो काफी बड़ा होगा ऑर्बिटल डायमीटर अर्थ का, तो वो प्लैनेट से अर्थ के जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए सुटेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक तो पहली चीज ये कि यहाँ पे बेसिस किसको चुनना है, इफ वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार और प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, आवर बेसिस शुड बी वेरी लार्ज। सो हमने चूज किया बेसिस क्या, ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्लियर है कि नहीं। अब नियर बाय स्टार या प्लैनेट जो है, जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां से हमको डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से उसका, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नियर बाय स्टार को एन से, फार ऑफ स्टार को एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे, सन को एस से कर देंगे। एक डायग्राम आप बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए तो देखिए यहां पर ये है सन, ये है ऑर्बिट किसका, अर्थ का। अर्थ सन के चारों ओर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और ए बी जो है वो डायमीटर इस ऑर्बिट का, इसको हम ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ कह सकते हैं। ए बी कैन बी कॉल्ड ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ, इज दैट क्लियर। एस यहां पे सन है, और एन वो नियर बाय स्टार है जिसका डिस्टेंस हमको अर्थ से फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, अर्थ से। और ये ए और बी ये क्या है, डायमीटर जो है अर्थ का, ऑर्बिट का, उस पर पॉइंट्स हैं, यानी किसी समय पहले अर्थ पोजीशन ए पर है, ठीक है ना, और उसके बाद पोजीशन ए से पोजीशन बी तक अर्थ को जाने में मालूम है कितना टाइम लगेगा, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं पूरा साल, यानी 12 महीने। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आधा साल, यानी 6 महीने, 6 मंथ्स। तो आफ्टर 6 मंथ्स पोजीशन ए से अर्थ पोजीशन बी पर जाएगी। तो ए और बी दोनों पोजीशन से किसकी, अर्थ की, इन इट्स ऑर्बिट। अब हम जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, जिस नियर बाय स्टार की हम बात कर रहे हैं, जब अर्थ पोजीशन ए पे है तो नियर बाय स्टार से जो लाइट आएगी अर्थ पे वो कुछ इस तरह से आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय स्टार टू अर्थ व्हेन अर्थ इज इन पोजीशन ए, और वही अर्थ 6 मंथ्स बाद जब पोजीशन बी पे पहुंचेगी तो अब जो नियर बाय स्टार से आने वाली लाइट है वो ऐसे आएगी अर्थ तक, स्ट्रेट पाथ में चलती हुई। समझ में आ गया ना आया। ये तो बात होगी नियर बाय स्टार की। अब एक फार ऑफ स्टार लेते हैं अपन। फार ऑफ स्टार उस स्टार को बोल रहे हैं जो बहुत दूर है, ठीक है ना, और उसकी पोजीशन अर्थ की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, वो नियरली सेम बनी रहेगी। तो सपोज यहां कहीं दूर पे एक फार ऑफ स्टार है और उससे जो लाइट आएगी वो कुछ सीधी आएगी इस तरह से,
ठीक है ना, कहीं दूर है ये फार ऑफ स्टार, तो इससे लाइट आ रही है जो वो बिल्कुल ऐसे आ रही है सीधे, और ये इधर आ रही है इस तरह से। अर्थ पे फार ऑफ स्टार से भी लाइट आ रही है, नियर बाय स्टार से भी लाइट आ रही है। जब वो पोजीशन बी पे होगी, नियर बाय स्टार से आने लाइट की डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी, लेकिन फार ऑफ स्टार इतनी दूर है कि उससे आने लाइट की डायरेक्शन ऑलमोस्ट वही रहेगी जो पहले थी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये फार ऑफ स्टार से आने लाइट की डायरेक्शन हो गई। अब आप कहोगे ऐसा कैसे भैया, नियर बाय स्टार से आने लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फार ऑफ की क्यों नहीं चेंज हुई, अर्थ की तो इधर से इधर आ गई ना। लेकिन सुनिए, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। कोई ऑब्जेक्ट जब थोड़ा कम हाइट पे होता है और हम नीचे अगर अपनी पोजीशन चेंज करें तो हमारी पोजीशन के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती है, नजर आती है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर कोई बहुत ज्यादा हाइट पे है तो हम नीचे कितनी पोजीशन चेंज करते रहे उसकी पोजीशन में हमको कोई चेंज नजर नहीं आता। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं कि सपोज आप रेस कोर्स रोड पे गोले के मंदिर से अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं, और ये उन दोनों की बात है जब ग्वालियर में मेला लगता है, ठीक है ना। तो बैलून एक लटका दिया जाता है ऊपर, ठीक है ना, मेले की पोजीशन लोकेट करने के लिए। और आप जब गोले के मंदिर पे हैं और वहां से उस बैलून को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हैं इस साइड, बैलून है इस साइड, आपको इस साइड नजर आएगा, उस साइड लाइट ऐसे आ रही है आपके लिए। अब आप गोले के मंदिर से चले कहां की ओर जा रहे हैं, स्टेशन की ओर, और मेले पे बैलून है तो यानी बैलून के पास आते जा रहे हैं अपन। जैसे जैसे बैलून के पास आते जा रहे हैं अपने को उसकी डायरेक्शन में चेंज नजर आएगा। एक समय ऐसा आएगा अपन बैलून के ठीक नीचे होंगे, बैलून खपड़िया के ऊपर नजर आएगा अपने को, और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर बैलून आगे की बजाय हमको पीछे से नजर आएगा, और जब हम स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो बैलून की पोजीशन हमको पीछे नजर आएगी। मतलब कुल मिला के आपने क्या देखा कि आप मूव कर रहे हैं और आपके मूव करने से बैलून की पोजीशन में आपको क्या नजर आ रहा है, चेंज नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो बैलून चूंकि ज्यादा हाइट पर नहीं है तो आप जब मूव कर रहे हैं नीचे रोड पे अर्थ पे तो आपको उसकी पोजीशन में चेंज नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अब हम बात करते हैं सन की। सपोज आप घर से निकले ठीक ठीक 12 बजे, जब खपड़िया पे होता है बिल्कुल कौन सन, सन कहाँ होता है 12 बजे एकदम खपड़िया पे, ठीक है ना। आपने देखा भाई, आपने सन को देखा कहाँ है, ठीक ऊपर, अपनी बाइक उठाई और चल दिए कहाँ की ओर, मेले की ओर। अब जब आप जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, आप यहां से मेले तक भी पहुंच गए, गोले के मंदिर से मेले तक भी पहुंच गए, सन की पोजीशन आपने जब भी देखी कितनी कहां नजर आ रही है, सीधे खपड़िया के ऊपर, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा। और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप और स्टेशन तक भी पहुंच गए, देखा सन कहां है, खपड़िया पे, यानी कि सन की पोजीशन में कोई चेंज नजर नहीं आया आपके मोशन करने से, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ठीक वही चीज यहां हो रही है कि नियर बाय स्टार जो है ना ये कम हाइट पे है तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इससे आने वाली लाइट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। जब ए पर तो लाइट इधर से आती नजर आ रही है, जब बी पर तो लाइट इधर से आती नजर आ रही है, लेकिन जो फार ऑफ स्टार है वो इतनी दूर है कि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है ऑर्बिट में, लेकिन उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे आने वाली लाइट आपको बिल्कुल वैसे ही आती नजर आ रही है, बिल्कुल खपड़िया के ऊपर से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक की बात समझ में आई। अब अगर हम एक टेलीस्कोप लें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसकी हेल्प से हम क्या करें, ये एंगल मेजर कर लें, कौन सा एंगल, जो फार ऑफ स्टार और नियर ऑफ स्टार से आने वाली लाइट्स के बीच का एंगल है। अब ये एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से तो मेजर कर नहीं सकते, इतना बड़ा एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा 1, ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हम मेजर करेंगे, और ये एंगल अपन ने मेजर किया, एंगल एफ ए एन नाम दे देंगे इस एंगल को, एंगल एफ ए एन, एंड लैटिट्यूड इज थीटा 1, क्लियर है कि नहीं। अब अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स, तो ये थीटा 1 तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 1। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं एंगल ए एन एस इक्वल्स टू थीटा 1, ये अपन ने मान लिया, लेट मेजर किया, मेजर करके ये आ गया ये थीटा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 1। ये अपन ने कब मेजर किया, जब अर्थ कहां थी, पोजिशन ए पर थी, किसकी हेल्प से मेजर किया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से। देन इसके बाद हमने 6 महीने इंतजार किया, ठीक है ना, रावण जैसा धीरज रखना पड़ेगा आपको। तो 6 महीने बाद जब अर्थ पहुंचेगी पोजीशन बी पर, इसके बाद फिर एक बार अपन ने विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंगल मेजर किया। ये एंगल किस किस के बीच का मेजर कर रहे हैं, फार ऑफ स्टार और नियर ऑफ स्टार से आने वाली लाइट के बीच का एंगल।
तो फार ऑफ स्टार से लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, नियर बाय स्टार से आ रही है इस डायरेक्शन में, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये एंगल मेजर किया विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सपोज इट इज थीटा 2. क्या नाम देंगे इस एंगल को? एंगल एफ बी एन, ठीक है ना. तो एंड एंगल एफ बी एन ये सपोज कितना आ गया? थीटा 2. तो देयरफॉर अब ये एंगल अगर थीटा 2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा 2. वही सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है. तो देयरफॉर एंगल आपका जो है बी एन एस, एंगल बी एन एस इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? थीटा 2. क्लियर है कि नहीं? ये जो ए बी है ये हमारा किसका काम करेगा? बेसिस का. ए बी यहां पर क्या है हमारा? बेसिस. दोनों पोजिशन के बीच का डिस्टेंस बेसिस होता है, तो ये बेसिस हो गया. और ये जो एंगल ए एन बी है ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये दो पोजीशंस हो गई. तो दोनों पोजीशन के साथ ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है पूरा एंगल, ये कहलाता है पैरेलेक्स एंगल. यहां पर पैरेलेक्स एंगल क्या है इस पर्टिकुलर केस में? पैरेलेक्स एंगल इज ए एन बी, पूरा कंप्लीट एंगल ए एन बी, एंड विच इज इक्वल टू एंगल ए एन एस प्लस एंगल बी एन एस, बोले तो एंगल थीटा 1 प्लस एंगल थीटा 2. ये पैरेलेक्स एंगल आ गया. एंड व्हाट इज बेसिस? बेसिस आपका है ए बी, दोनों पोजिशन के बीच का डिस्टेंस. और फाइंड क्या कर रहे हैं हमको? हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार. कहां से? अर्थ से. अर्थ पोजिशन ए पे भी है, बी पे भी है, दोनों ही. मतलब हमको क्या फाइंड करना है? आपको ए एन और बी एन, ठीक है ना, ए और बी दोनों ही पोजिशन अर्थ की है, और फाइंड करना है डिस्टेंस एन नियर बाय स्टार का. तो ए एन या बी एन हमको फाइंड करना है. क्लियर है कि नहीं? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो देयरफॉर यहां पे एंगल क्या है हमारा? थीटा 1 प्लस थीटा 2. इस एंगल के लिए आर्क कौन है हमारा? ए बी. और अपॉन रेडियस जो है क्या है? ए एन बी है, बी एन बी है, कोई भी एक ले सकते हैं. सपोज ए एन ले लिया अपन ने, और हमें फाइंड चूंकि ए एन करना है डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए एन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जगह, थीटा 1 प्लस थीटा 2 नीचे आ जाएगा. तो ए बी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2. समझ में आ गया? आया. तो ये तो नोन होता है ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना. ये 1 होगा आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज निकाल के इसका सम करके थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा पैरेलेक्स एंगल आ जाएगा. तो इस मेथड का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ. क्लियर है कि नहीं? तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पैरेलेक्स मेथड. पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, 5 मार्क्स तक में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज पैरेलेक्स? डिस्क्राइब पैरेलेक्स मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ, ठीक है ना. तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं हम. पैरेलेक्स मेथड आज हमने आपको एक्सप्लेन किया, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा. घर पर थोड़ा सा इसको डायग्राम वगैरह बना के प्रैक्टिस कर लेना, लिख के देख लेना, ठीक है ना. और आज के लिए इतना ही. 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ये इस चैनल को आप देखिए मेरे, और इन वीडियोस को देख के शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं एक्चुअली वही मेन होते हैं कि बेस बनता है उनसे. तो इनको आप देखिए, और लगातार ये वीडियोस आप देख सकें इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए. दैट्स ऑल.